हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एमपी जीके करंट अफेयर्स सेगमेंट। नाउ ये जो पूरी सीरीज है ये करंट अफेयर्स से डील करेगी ऑफ मध्य प्रदेश। रीसेंट जितना भी करंट अफेयर्स नेसेसरी है एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एमपी पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या दूसरे पीएससी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे एमपी जीके पूछी जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू असर्टेन कि भाई एमपी जीके में कौन कौन से ऐसे करेंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए और जिनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। माय नेम इज शुभम उपाध्याय और इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड एमपी जीके को देखेंगे। ये एक पूरी की पूरी सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें फर्दर और आगे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स को डील करेंगे फॉर स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें पूरे बने रहिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे वो सभी आप लोगों के एग्जामिनेशन में, मे इट बी एमपी एडीपीओ, मे इट बी एमपी सिविल जज, मे इट बी एनी अदर एमपी पीएससी बेस्ड एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशंस में इसके क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस सेशन को पूरा अंत तक देखें। सो सेशन को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में जिन एस्पेक्ट से हम लोग डील करने वाले हैं उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हैं तो दिस इज़ माय टेलीग्राम हैंडल्स क्यूआर कोड। आप लोग डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एमपीजीके एंड द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस वो वहाँ पे मिल जाएगी। प्लस हमने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीकली टेस्ट शुरू किया है जो कि हर सैटरडे को 12 बजे पोस्ट किया जाता है ग्रुप पे। अभी द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो अगर आप लोग चाहें तो उसकी भी जो टेस्ट की पीडीएफ है वो भी इस टेलीग्राम हैंडल से आपको मिल जाएगी। सो आइदर यू कैन डायरेक्टली स्कैन इट फ्रॉम द क्यूआर कोड एंड आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट कर दिए जाओगे, या फिर यू कैन जस्ट सर्च द शुभम उपाध्याय अंडरस्कोर अनअकैडमी एंड यू विल बी सर्चिंग दिस नेम एंड आप लोग सीधे सीधे पहुंच जाओगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पे आई टीच फॉर जुडिशरी, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। सो अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के क्या बेनिफिट हैं उसकी डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, दोज आर अनलिमिटेड एक्सेस एंड आइकॉनिक में 1-to-1 मेंटर्स जो अलॉट किए जाते हैं वो जुडिशरी एस्पिरेंट्स को काफ़ी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं टाइम टेबल और स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में। सो डेफिनेटली इफ यू विश टू ज्वाइन अन अकेडमी रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 विच इज माई कोड इन ऑर्डर टू गेट अ डायरेक्ट 10% डिस्काउंट। और हाँ, अगर ऑफर चल रहा होगा 20% का ऑफर चल रहा होगा, एक्सटेंशन का ऑफर चल रहा होगा तो इसी कोड को यूज करके आपको वो ऑफर का बेनिफिट भी मिल जाएगा। रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। और साथ साथ में आप लोगों को प्राइस स्ट्रक्चर भी बता दूं, तो प्राइस स्ट्रक्चर भी यहां पे दिया हुआ है प्लस और आइकॉनिक का। रिमेंबर कि ये जो प्राइस स्ट्रक्चर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का है इस पे इफ यू यूज द कोड JW10 तो यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ना एक चीज और आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिल्ली में मीटअप होने वाला है। दिल्ली अनअकैडमी के एक्सपीरियंस सेंटर पे आई विल बी विजिटिंग ऑन 30th of October। उसकी आइटनरी भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं, देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट विल बी द जुडिशरी मंथन विच विल बी अ जुडिशरी स्ट्रैटेजी सेशन, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे, स्टेट्स को कैसे चूज करना है वो डिसाइड करेंगे, टाइम टेबल क्रिएट करेंगे और साथ साथ में ये डिस्कस करेंगे कि आप अगर किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कैटेगरी एज इन चाहे आप लॉ स्कूल में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए वो जुडिशरी मंथन में डिस्कस होगा। इसी इवेंट का दूसरा पार्ट होगा जुडिशरी ओलंपिक्स, जिसमें कि एक क्विज कंडक्ट करवाया जाएगा। उस क्विज के वेरियस सेगमेंट्स होंगे जैसे सेक्शन मेनियाक, फैक्चुअल मैट्रिक्स एंड बहुत सारी चीजें।
एंड द थर्ड वन विल बी द मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा विद द पर्पस ऑफ टेस्टिंग कि आप सभी स्टूडेंट्स का मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. सो इफ यू विश टू ज्वाइन मी एंड टॉक टू मी एंड डिस्कस विद मी फेस टू फेस एवरी सिंगल ऑफ योर जुडिशरी रिलेटेड क्वेरी, तो वो सब कुछ आंसर होगा 30th of October को. एड्रेस यहां पे आप लोगों के सामने दिया हुआ है. इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे शेयर कर दूंगा. साथ साथ में मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी आप लोगों को इस पूरे के पूरे मीट का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे जाएं. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है. एवरीवन इज फ्रीली इन्वाइटेड टू द एक्सपीरियंस सेंटर ऑन 30th of October एट 12 PM. 3 घंटे का यह सेशन होने वाला है. एड्रेस आप लोगों के सामने है, आइटनरी आप लोगों के सामने है, क्या क्या होगा ये आप लोगों को पता है. पूरी तरीके से सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलेगा. So if you wish to join me, if you wish to talk to me, and if you wish to have an experience of one-to-one mentorship, तो definitely आप इस event में आ सकते हैं. Plus Judiciary Olympics, plus आप लोगों का mains examination test will be the cherry on the cake. Now let's get started. शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं current affairs में आने वाली सबसे ज़्यादा one of the most prominent news के बारे में. That is the Ladli Lakshmi Yojana 2.0. अब देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की, या ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी सरकार की वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं हाईली रिगार्डेड एक पूरी की पूरी स्कीम रही है. क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना को जब से शुरू किया गया है तब से लेकर के अभी तक ये मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश में रहने वाली बीजेपी सरकार की सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सक्सेसफुल अगर कोई स्कीम रही है तो वो लाडली लक्ष्मी योजना रही है. सो लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है. और इस योजना के अंदर लाडली लक्ष्मी यानी कि जो हमारे मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे ये उसके बारे में है. लाडली लक्ष्मी योजना उसके बारे में है, उसी का 2.0 वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है. अच्छा, 2.0 की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें बता दूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रिलिम्स और जहां जहां मेंस एग्जामिनेशन में एमपीजी के पूछी जाती है उसके लिए रेलेवेंट होगा. सो ध्यान से समझिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था इन द ईयर, लाडली लक्ष्मी स्कीम को शुरू किया गया था इन द ईयर 2007. ठीक. अच्छा, साथ ही साथ में जब आप लाडली लक्ष्मी योजना को देखते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत करवाने के लिए या खुद को रजिस्टर करवाने के लिए देर आर सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप लोगों को पता होने चाहिए. अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो वैसे भी आपको पता होने चाहिए. नंबर वन इज दैट द पेरेंट्स और द फैमिली शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक, तो मध्य प्रदेश के आपको नागरिक होना जरूरी है. नंबर टू, इट इज एप्लीकेबल अप टू ओनली 2 daughters. मैक्सिमम 2 बेटियों पे ही ये स्कीम एप्लीकेबल होती है. ठीक, साथ ही साथ ये जो फैमिलीज होंगी जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का बेनिफिट मिलेगा, दे शैल बी नॉन टैक्स पेयर्स, यानी कि वो टैक्स पेइंग कैटेगरी में नहीं आने चाहिए. ठीक, तो बिलो पॉवर्टी लाइन या वो सभी लोग जो कि टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन सभी लोगों को रखा जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा फॉर द लाडली लक्ष्मी योजना. अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें, जैसा मैंने कहा लाडली लक्ष्मी योजना हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स जेनेसिस. तो इसकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. जब हम मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानते हैं तो आपको, आपने सुना होगा कई बार कि शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको मामा का एक टाइटल दिया जाता है. तो मामा कहा जाता है, शिवराज मामा बुलाया जाता है. वो ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द लाडली लक्ष्मी योजना. जब हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो अप्रैल 2022 तक अ टोटल ऑफ 42,42,00,000 बच्चियों को रजिस्टर करवाया जा चुका है लाडली लक्ष्मी योजना में. साथ साथ लगभग 9 लाख बच्चियों को अभी तक स्कॉलरशिप दी जा चुकी है
फॉर देयर एजुकेशन. अब वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी है, इंटरमीडिएट एजुकेशन भी है और हायर एजुकेशन भी है, और इसका टोटल है लगभग लगभग 231 करोड़ का. इस बात का ध्यान रखिए कि जो ये लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना का पर्पस है हमारे पूरे राज्य की, मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन को और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को केटर करने के लिए. सो मध्य प्रदेश की जितनी भी बच्चियां हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी को एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक प्रॉपर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड हों, इसका इनिशिएटिव लेकर के इस पूरी की पूरी लाडली लक्ष्मी स्कीम को स्टार्ट किया गया था. सो दिस इनिशिएटिव वॉज टू इंश्योर द एजुकेशनल स्टेटस एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन आर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अच्छा, इससे जो एक और अचीविंग फैक्टर निकल करके आया है बिकॉज ऑफ द लाडली लक्ष्मी योजना, दैट इज कि मध्य प्रदेश का जो पहले सेक्स रेशो हुआ करता था, दैट वॉज अ वेरी डेप्लीटिंग वन. सो अब मध्य प्रदेश का जो सेक्सुअल रेशियो है, ठीक है, या जो सेक्स रेशियो है, वो सेक्स रेशियो बन चुका है फ्रॉम 927 टू 956. सो मध्य प्रदेश का अब सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, 927 प्रति हज़ार मेल चाइल्ड के कंपैरिजन में अब 956 हो चुका है, 927 956, ठीक, दैट इज द ग्रोथ. अच्छा, साथ ही साथ में जो ये पूरा का पूरा लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके अंतर्गत एक लाडली लक्ष्मी ई संवाद भी शुरू किया गया है. ई संवाद बेसिकली एक ऐप है जिसके थ्रू समग्र आईडी के द्वारा मध्य प्रदेश की जितनी भी बच्चियां हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक, जो कि लाडली लक्ष्मी स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि उनका एजुकेशनल स्टेटस जो है उसकी एक प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके. तो ना सिर्फ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, साथ साथ ही एक ई संवाद ऐप भी लॉन्च किया गया है जिससे कि मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं उनके एजुकेशनल स्टेटस को ट्रैक किया जा सके, देखा जा सके. सो दैट इज वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द लाडली लक्ष्मी योजना. नाउ, अब लाडली लक्ष्मी योजना के जो 2.0 वर्जन है, इसका जो एकदम रीसेंट वर्जन है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं. तो देखिए जरा, एमपी चीफ मिनिस्टर लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0. इट इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू एनकरेज द गर्ल चिल्ड्रन टू परसू हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, गिविंग एन इंसेंटिव ऑफ ₹25,000 टू गर्ल्स हु गेट एडमिशन इन टू कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन ऑफ अ प्रोफेशनल डिग्री और कोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12th. तो ये हाईलाइट है लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम 2.0 की, जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है. लाडली लक्ष्मी योजना में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे टिल द टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टिल द टाइम शी गेट्स मैरिड, उनको एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर अपब्रिंगिंग, फॉर देयर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और ये इंश्योर करती है मध्य प्रदेश की सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाता रहे, उस पर रिपोर्ट्स क्रिएट होती रहे और ये चेक में रहे कि क्या एक्चुअली मध्य प्रदेश की बच्चियों को वो सारी सुविधाएं, एजुकेशनल सुविधाएं प्रोवाइड हो पा रही हैं जिनको टारगेट किया गया था या नहीं. सो दैट इज बेसिकली द हाईलाइट ऑफ द लाडली लक्ष्मी स्कीम. अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ. सो नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिस मैन. नाउ This person is considered to be a legend in the history of Madhya Pradesh. अगर आप में से किसी ने भी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा होगा, इनसे रिलेटेड कहानियाँ सुनी होंगी, इनसे रिलेटेड आपने कई ऐसी कथाएँ हैं, कई ऐसी हम कह सकते हैं कि स्टोरीज हैं जो आपने डेफिनेटली सुनी होगी. ये हैं तांत्या भील. इनका नाम है तांत्या भील. नाम से ही समझ में आता है कि तांत्या भील जो थे वो बिलोंग करते थे भील ट्राइब से. नाउ व्हाई इज दिस पर्सन सो फेमस और व्हाई इज तांत्या भील सच एन ऑनर्ड पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, इज बिकॉज ऑफ हिज रेगुलर स्ट्रगल. यस, बिकॉज ऑफ हिज रेगुलर आर्म स्ट्रगल विद द
ब्रिटिशर्स। सो 19वीं शताब्दी का जब हम कह सकते हैं कि दूसरा हिस्सा चल रहा था, 1870, 1850, 1860, 80 उसके दौर में तांत्या भील जो थे इनका उद्गम हुआ। साथ साथ में, सिर्फ उद्गम नहीं, साथ साथ में इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ 12 वर्षों तक, 12 साल तक आर्म्ड स्ट्रगल में भाग लिया, आर्म्ड स्ट्रगल में भाग लिया। ये ब्रिटिशर्स से, या ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश से खजाना लूट करके अपनी झोलियां भरी थी, उस खजाने को उनसे छीन करके ये गरीबों में बांटते थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारे भारत के रॉबिन हुड थे। और इसी तमगे को, इसी टाइटल को ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो वही चीज इस न्यूज को बहुत ज्यादा रेलेवेंट बना देती है, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग तांत्या भील एज द इंडियन रॉबिन हुड। रॉबिन हुड की स्टोरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, अमीरों से पैसे को लेकर के गरीबों में बांटा जाता था, वो व्यक्ति था रॉबिन हुड। सो भारत में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रॉबिन हुड की उपाधि दी जा सकती है, दैट इज तांत्या भील। और द पाताल पानी रेलवे स्टेशन इन इंदौर विल बी रीनेम्ड आफ्टर तांत्या भील, ऑल्सो नोन एज द इंडियन रॉबिन हुड। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल करके तांत्या भील के नाम पे रखा जाएगा। और ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है दैट ही वॉज द इंडियन रॉबिन हुड। साथ साथ में तांत्या भील बिलोंग टू द भील ट्राइब ऑफ द इंडिजिनियस आदिवासी कम्युनिटी, ये आपको जानकारी है। तांत्या भील इज हेल्ड एज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज हु वेज्ड एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर 12 years, मतलब 12 सालों तक ये लड़ते रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्ड स्ट्रगल में, और उसके बाद फिर जाकर के आगे इनकी मृत्यु हुई। तो ये बहुत ही रेस्पेक्टेड फिगर माने जाते हैं मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री में। और अब इनके नाम पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा जाएगा। साथ साथ ही आपको बता दूं कि पिछले साल ही मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी भोपाल, वहां पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन वॉज हबीबगंज अर्लियर, अब उसका नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेडियम कर दिया गया है। सो रिमेंबर दैट पॉइंट। आगे चलते हैं ना, आप में से कई लोगों ने इनकी फोटो देखी होगी, हो सकता है कई लोगों ने इनकी फोटो ना देखी हो। ये है संग्राम शाह, ठीक, संग्राम शाह। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें पता है कि संग्राम शाह कौन है। संग्राम शाह जो है उनके बेटे का नाम था दलपत शाह, और साथ साथ में इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था रानी दुर्गावती। ये गोंडवाना के शासक रहे थे, गड़ा किंगडम को बिलोंग करते थे, गोंड ट्राइब को बिलोंग करते थे। और आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, आर्ट और कल्चर में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, आर्ट और कल्चर को लेकर के ये बहुत ज्यादा सजग थे, और उसके प्रमोशन पे इनका एक, हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा खासा फोकस था। तो इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए एमपी गवर्नमेंट ने एक अवार्ड क्रिएट किया है जिसका नाम है राजा संग्राम शाह अवार्ड। राजा संग्राम शाह अवार्ड नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये राजा संग्राम शाह को ऑनर करता हुआ एक अवार्ड है, जो कि गोंडवाना एरिया में गड़ा किंगडम को बिलोंग करते थे और गोंड ट्राइब के थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य में आर्ट को, आर्किटेक्चर को, कल्चरल प्रमोशन इन्होंने बहुत किया था। और उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसी चीज़ को ऑनर करते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस अवार्ड को अनाउंस किया है। साथ साथ में किस फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर। तो जनजातीय कला जो है और कल्चर जो है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को जो एक अवार्ड दिया जाएगा उसका नाम है संग्राम शाह अवार्ड। संग्राम शाह, जैसा कि हमने बताया, गड़ा किंगडम को बिलोंग करते थे, गोंडवाना को। ही वॉज द 48th रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड ही इज बेस्ट नोन एज अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड
लिटरेचर। ये बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक एक बहुत अच्छी किताब है रसरत्नमाला। इसके क्रिएटर भी संग्राम शाही थे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रसरत्नमाला जो है ये किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी संग्राम शाह ने। साथ ही साथ जो नरसिंहपुर में चौरागढ़ फोर्ट है, ठीक, वो चौरागढ़ फोर्ट भी इन्हीं को ऑनर करते हुए बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने 52 किले जीते थे। बिकॉज ही वन 52 फोर्ट्स, इनके लिए चौरागढ़ का किला तैयार किया गया था इनके ऑनर में। आगे चलते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट लिकर। अब लिकर भाई, ये पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है, क्योंकि मंदसौर में और साथ ही साथ इंदौर में, इन दोनों ही जिलों में खराब लिकर का सेवन करने की वजह से, स्पूरियस लिकर, स्पूरियस अल्कोहल को कंज्यूम करने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी चीज़ को लेकर के अब जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, और उसी के तरफ एक कदम बढ़ाते हुए हमें मिलती है ये न्यूज़। बिल ऑन डेथ पेनाल्टी इन इलिसिट लिकर केसेस क्लियर्ड। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, द मध्य प्रदेश एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात की गई थी इन केसेस रिलेटेड टू डेथ्स कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ स्पूरियस लिकर। नाउ ये बात सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के हर राज्य में लिकर जो है, लिकर हैज बीन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल इनकम, यानी रेवेन्यू जनरेट करने का लिकर सबसे एक अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में लोग इसको कंज्यूम करते हैं, और डेफिनेटली ये एक अच्छा सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का किसी भी राज्य के लिए, एक्सेप्ट फॉर द ड्राई स्टेट्स। बट अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे पास्ट में इंस्टेंसेस आए हैं जहां पे लोगों के द्वारा फेक या फिर स्पूरियस या फिर खराब शराब बेची गई है, और उस शराब की वजह से लोगों की ना सिर्फ तबीयत खराब हुई है, ना सिर्फ उन्हें फिजिकल मेंटल डैमेज हुआ है, बल्कि साथ ही साथ उनकी मृत्यु भी हुई है। और पहले जब ये पूरा का पूरा एक्ट एप्लीकेबल होता था, MP एक्साइज एक्ट, तो उसके अंडर जो पनिशमेंट दी जाती थी वो 10 साल से लेकर 14 साल तक की पनिशमेंट थी। लेकिन अब इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए, इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली जज करते हुए इस अमेंडमेंट को लाया गया है, और अब इसे पास भी कर दिया गया है, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी शराब को बनाता हुआ या उसे बेचता हुआ या उससे रिलेटेड डीलिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है और उस शराब के सेवन से लोगों की डेथ होती है, तो फिर उस व्यक्ति को भी कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। सो कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट का अब प्रावधान ऐड कर दिया गया है, साथ साथ में फाइन भी लगाया जाएगा उस व्यक्ति पे 20 लाख रुपए तक का। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को, मध्य प्रदेश के लोगों की हेल्थ को भी सेफ गार्ड करता है, इकोनॉमी को भी इंश्योर करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि लोग अल्कोहल या लिकर को जब बेचें या उसका किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करें तो वो ये ध्यान रखें कि उससे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी, अगर वो मानकों को या स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करता है तो इनको सजा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द सिकल सेल्स। अब जब हम सिकल सेल्स की बात करते हैं तो ऐसे बोल करके समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली सिकल सेल्स का काम क्या होता है। सो व्हेन यू लुक एट इट, सबसे पहले जरा यहां पे देखिए सिकल सेल्स को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सिकल सेल्स ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो खून दौड़ता है उसमें ब्लड सेल्स रेगुलर फ्लो करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एक नॉर्मल फ्लो हो रहा है ब्लड सेल्स का, ठीक। तो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो एक रेगुलर फ्लो होता है, किंतु सिकल सेल बेसिकली एक डिफॉर्मिटी होती है जहां पे जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के कारण उनका कुछ ऐसा शेप बन जाता है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। सो
क्योंकि सिकल सेल्स एक तरीके से सेल्स की डिफॉर्मिटी है। सेल्स की डिफॉर्मिटी होने की वजह से, अब देखिए ब्लड सेल्स का जो मेजर काम होता है वो होता है ब्लड सप्लाई प्लस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बॉडी के सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स वो प्रॉपर शेप में होंगे तो ये ऑक्सीजन को सही ढंग से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा पाएंगे, किंतु अगर कोई सेल सिकल सेल हो जाता है या फिर अगर वो सेल टूट जाता है या फैल जाता है या चपटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उन सिकल सेल्स के जुड़ने की वजह से एक क्लॉग बन जाता है। क्लॉग या जिसको सेल ब्रेकडाउन कहते हैं, क्लॉग या गठान या सेल ब्रेकडाउन एक ऐसी स्थिति है जहां पे बहुत से सिकल सेल्स मिल करके एक क्लॉग या एक थक्का जमा देते हैं जिसके कारण जो ऑक्सीजन उसमें फिल्ड इन थी वो रिलीज हो जाती है प्लस वो ऑक्सीजन जिस बॉडी के ऑर्गन जिस बॉडी के पार्ट तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती है। तो इसी पूरे सिचुएशन को कहा जाता है सिकल सेल अनीमिया। अब ये जो सिकल सेल अनीमिया है ये कई तरीकों से फैल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिकल सेल अनीमिया या डिसऑर्डर जो है ये मध्य प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन में देखा जाता है। 2010 के आसपास की एक रिपोर्ट है ICMR की जो ये बताती है कि मध्य प्रदेश के 10 से लेकर लगभग 30% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित है। अब सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित होने का मतलब होता है कि देयर इज ऑब्वियसली अ डिलेड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, और लोगों में जो ग्रोथ का जो डेवलपमेंट का जो एक स्पीड होता है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती है, लोगों की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है फिजिकल और मेंटल दोनों रुक जाती है। उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है MP सिकल सेल मिशन। अब क्या बताता है भाई ये, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द MP सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी मिशन। क्या बताता है भाई ये, What does it say? It aims at spreading awareness among people about genetic disorders, including sickle cell anemia, thalassemia, and other hemoglobinopathies. साथ साथ में genetic counseling cards were handed over to the beneficiaries of this particular mission, जिनका purpose ये था कि लोगों को एक लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि आपको इस बीमारी से कैसे निजात पाना है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सिकल सेल अनीमिया के केसेस में मध्य प्रदेश रैंक 1 पे आता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिकल सेल अनीमिया के केसेस पाए जाते हैं, और लगभग 15-20-30% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें ये सिकल सेल अनीमिया कॉमनली पाया जाता है। सो रिमेंबर कि इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन, एंड इसी सिचुएशन को डील करने के लिए, इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये पूरा मिशन लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं मिशन ग्रामोदय। अब मिशन ग्रामोदय वैसे लॉन्च किया गया था, ये तो धार की पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं 18 मार्च 2021 की, क्योंकि MP ADPO का पेपर काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है तो डेफिनेटली ये न्यूज़ भी आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। MP ग्रामोदय मिशन जो है उसका एक फंडामेंटल पर्पस है कि जितने भी विलेजेस हैं जितने भी गांव हैं उनको स्वावलंबी बनाया जाए, इंश्योर किया जाए कि उनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ये इंश्योर किया जा सके कि हर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो और साथ ही साथ में प्रॉपर टैप वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। तो द कंप्लीट पर्पस ऑफ द मिशन ग्रामोदय और द ग्रामोदय मिशन ऑफ मध्य प्रदेश इज टू बेसिकली इंश्योर कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी गांव हैं वो स्वावलंबी बन सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहां पे लोन प्रोवाइड करने की सेवा दी गई है, साथ साथ में वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दैट हैज बीन द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन ग्रामोदय। आप लोग देख सकते हैं MP गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन ग्रामोदय, वॉट इज इट, हैज बीन स्टार्टेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, जितने भी ग्रामीण एरियाज हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को टारगेट करके ये मिशन शुरू किया गया है। साथ साथ एवरी विलेज विल हैव कॉन्क्रीट रोड्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, मुक्ति धाम एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड्स इन एवरी ग्राम पंचायत। सो हर विलेज में हम कह सकते हैं कि भाई रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगी, ग्राम पंचायत बनेंगी, मुक्ति धाम बनेंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनेंगे हर एक ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द।
साथ साथ वाटर विल बी सप्लाइड थ्रू टैप्स इन एवरी हाउस इन एवरी विलेज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी एम्पावर्ड फाइनेंशियली दे विल बी गिवन लोन्स टू एट 2% इंटरेस्ट। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये MP GK में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक दिस सेशन, डू शेयर इट विद everyone who is preparing for MP ADPO examination, who is preparing for other MP PSC based examination, or who is also preparing for MP civil judge examination। अगर MP के किसी भी examination को आप target कर रहे हो तो ये video आपको help करेगा detail में, ना सिर्फ प्री एग्जामिनेशन के लिए बल्कि मेन्स एग्जामिनेशन के लिए भी। साथ साथ आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आई विल बी विजिटिंग दिल्ली, मैं दिल्ली विजिट करने वाला हूं, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे से मिलने आ सकते हैं। सिर्फ मिलने की बात होती तो एक अलग बात थी, लेकिन दिल्ली विजिट में क्या कुछ नहीं होने वाला है, जुडिशरी मंथन, साथ साथ में जुडिशरी ओलंपिक्स एंड द जुडिशरी मेन्स एग्जामिनेशन टेस्ट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड ओवर देयर। क्विज भी होगा, प्रिलिम प्रिपरेशन भी डिस्कस होगी, मेंस प्रिपरेशन भी डिस्कस होगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी डिस्कस होगी। तो इसके लिए रजिस्टर कर लो, 30 अक्टूबर संडे का दिन है, दिल्ली में अगर हो आप तो आप आ सकते हो ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी के एक्सपीरियंस सेंटर पे। पूरी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मेरी जो लिंक दी हुई है इस सेशन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की उस पे मिल जाएगी, या फिर आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी इस लिंक को कैरी करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो ऑन 30th of October। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद एवरीवन, डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं हम लोग को पढ़ने में। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा 2 बजे। सो इंश्योर करना कि आप उस सेशन को भी देखो और प्रॉपर नोट मेकिंग करके रेडी रहो। So, this is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada, bye-bye, take care, good afternoon, Bella Chao, and Jai Hind. Bye-bye.